मैं ना इस समय गांधीनगर कॉलेज के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब हैं जो अभी अपनी जस्ट अपने कॉलेज खत्म करके गाड़ी निकाल रहे थे। ये आप देख सकते हैं, इनकी ये गाड़ी है जिसके साथ एक गाड़ी आकर हिट होती है और दूसरी गाड़ी जो है वैगनर गाड़ी है, और वो आप देखेंगे वो बिल्कुल अभी भी सड़क पे वहीं पे लगी हुई है। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसने इतनी शराब पी हुई है कि अभी भी वो अंदर ही है गाड़ी के अंदर। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जो प्रोफेसर साहब ये गाड़ी चला रहे थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर आप बताएंगे क्या बात होगी, आप गाड़ी निकाल रहे थे अभी? हाँ, मैं तो आराम से 10 या 10 की स्पीड पे था, इन्हें ड्रिंक किया, पीछे से साइड से मारा और गाड़ी कंट्रोल में रही, जाके वो पार जाके स्ट्राइक की ब्रिज के साथ। अभी वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, काफी ड्रिंक किया हुआ, काफी ड्रिंक किया। तो आपने जैसे ही बाहर निकाली तो ये पीछे से हिट कर? हाँ, पीछे से हिट किया। मेरी मेरी हार्डली कोई 10 की स्पीड थी बस, तो मैं ये पीछे से आए, कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी, काफी ड्रिंक किया हुआ था तो साइड पे से हिट किया और अनकंट्रोल होकर गाड़ी साथ ब्रिज में स्ट्राइक के साथ। आपको कोई लगी तो नहीं, चोट तो नहीं? नहीं बैठे। भगवान का शुक्र है कि ये प्रोफेसर साहब हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कॉलेज में ही, और इनकी ये गाड़ी है JK02BA3891 गाड़ी है। और इनकी गाड़ी जैसे ही इन्होंने अपने कॉलेज से गाड़ी बाहर निकाली, और ये देखेंगे आप इनकी गाड़ी को हिट किया है यहाँ पर। और जिस गाड़ी वाले ने हिट की हुई है उसने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शराब पी हुई है और नशे में धुत जो है गाड़ी चला रहा था, वैगनर गाड़ी चला रहा था। ये बीच में ही अभी भी वहीं पर ही है। तो आपको मैं बता दूं कि ये अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और भगवान का शुक्र है कि जो गाड़ी में प्रोफेसर साहब थे उनको नहीं लगी। आप लोग इधर ही थे जब ऐसा हुआ, कोई पता है आपको? जी सर, हम भी ड्राइव करते आ रहे थे यहाँ से। अच्छा, ये अभी हमने तो यही देखा है यहाँ पे खड़े हैं, ये गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ी थी, ये ओवर स्पीड में थी जी, उसमें गाड़ी में भी बंदा बैठा हुआ बीच में ही सर, वो नशे में, पूरे फुल नशे में। ये अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और मैं आपको एक बार वो गाड़ी भी दिखाई देते हैं, दूसरी जो गाड़ी है ये वैगनर गाड़ी है जिस गाड़ी ने हिट किया है। और आपको मैं बता दूं कि अभी ये कुछ देर पहले ही एक ये बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये दूसरी गाड़ी है JK02BL0674, ये गाड़ी है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी वो व्यक्ति जो है गाड़ी के अंदर ही है, और इतनी शराब पी हुई है इस आदमी ने, और ये शराब में धुत है ये आदमी, ये आप देख सकते हैं अंदर, आप इसी कंडीशन देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हुआ है, और इसकी कंडीशन अभी आपके सामने ही आप देख सकते हैं। और ये पुलिस के, हमारे यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम लग गया था, तो इन्होंने यहाँ पर आकर पूरा अब देख रहे हैं इसको, और ये इसको अब निकालेंगे बाहर। ये देख सकते हैं आप कि जिसने ये गाड़ी हिट की है, ये देखो काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, और अभी पुलिस कर्मी के कहने के ऊपर भी बाहर नहीं आ रहा है। ये वैगनर गाड़ी है, और यहाँ पर जिसको इन्होंने हिट किया है वो एक प्रोफेसर साहब है, यहाँ पर उनकी गाड़ी को हिट किया है यहाँ पर। और अभी भी देखें आप, ये नशे में धुत है व्यक्ति, और अपनी गाड़ी भी देख लीजिए, इनकी गाड़ी अपनी कहाँ पर हिट हुई है, और पूरा अपनी गाड़ी का भी नुकसान किया है, दिन में ही शराब पी के बैठे हुए हैं। और ये देख लीजिए, ये आपके सामने अब पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी कुछ देर पहले जो है एक्सीडेंट हुआ है। Thank you.
बोलो और ये देखो भगवान का शुक्र है किसी की जान नहीं ली इस आदमी ने, वरना जिस हिसाब से इसने शराब पी हुई है इसे चला भी नहीं जा रहा और इतनी हालत खराब है इस आदमी की और इस हालत में ये गाड़ी चला रहा था। आप खुद देखें इस हालत में गाड़ी चला रहा था, वरना आपको पता ही है कितना यहाँ पर रहता है और वहाँ पर किसी को भी जो है हिट कर सकती है कोई भी व्यक्ति। तो इतनी शराब पी के आदमी जो है गाड़ी चला रहा है, पूरी तरह से शराब में धुत है। और भगवान का शुक्र है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब उनकी जान बच गई जिनकी गाड़ी को हिट किया इसने। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये है वैगनार गाड़ी जो कि ये आदमी चला रहा था। ये तो हालत है। अब इसमें इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, जम्मू में भी हर गली के बाहर तो आजकल शराब के ठेके खुले हुए हैं, तो शराब ही यहाँ पर बिकेगी सबसे ज्यादा। और हालत देख लो आपके सामने ही है, दिन दहाड़े इतने ज्यादा शराब में धुत ये आदमी गाड़ी चला रहा है। अगर किसी बच्ची को, किसी स्कूटी वाले को, टू व्हीलर को ये आदमी उछल देता तो क्या होता। ये आपके सामने आप देखेंगे ये आदमी ने गाड़ी यहाँ पर हिट की है और जो गाड़ी चलाने वाला है वो पूरी तरह शराब में धुता है। यही जो गली गली में हर जगह शराब की दुकानें खुली हैं उसके बाद आपके सामने वो फिर से गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया है और इतनी ज्यादा शराब पी हुई है इसे कोई पता नहीं है। क्या गाड़ी इसने अपनी गाड़ी भी मारी है, जाकर गाड़ी की हालत देख लीजिए। दूसरी गाड़ी जिससे हिट किया है वो गाड़ी एक प्रोफेसर साहब की गाड़ी है और वो अभी अपने कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। क्या गलती उनकी आपके सामने हुआ बताएंगे क्या बात हुई। हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी, हम ऑडिटोरियम में थे। अच्छा। वहां से जैसे बाहर आए मेरे आगे सर की गाड़ी थी। अच्छा। तो आवाज आई कि मैंने सोचा कुछ हिट हुआ है, तो आगे देखा कि सर की गाड़ी एक साइड से डैमेज हुई है, इसकी गाड़ी इस तरफ टर्न हुई है, बट ये उसके बावजूद भी गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। जिसकी वजह से इसका अगला टायर बिल्कुल ब्लास्ट हो गया हुआ है, रिम टेढ़ा हो गया हुआ है। अच्छी बात यह है कि ना उसको लगी है और ना सर की स्पीड गाड़ी की सिर्फ 10 की थी उस टाइम। सिर्फ गेट से बाहर हुए हैं, टर्न की है गाड़ी, ये यहाँ पे हिट हुआ जहाँ पे ये ब्रीजा लगी है ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इतनी गंदी तरीके, और ये पीछे से ही 100+ पे आ रहा है। टू व्हीलर वगैरह होता तो ले गया था, खत्म था, डेड था। एक होता दो था, ये शुक्र करो कि ये इस तरफ टर्न हो गया। अगर ये सीधा जाता तो फिर इसने किस किस को लेना था कोई नहीं जानता, वो ऊपर वाला जानता, दो चार को ले जाना था। ये देख लीजिए आप नशे में धुत, अभी पुलिस कर्मी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर आने के लिए पहले निकला था बाहर फिर अंदर चला गया, और लगी भी हुई होगी, अब थोड़ी बहुत तो लगी होगी, इतनी जोर से हिट की है गाड़ी तो। और आपके सामने देखें ये हालत है, गाड़ी का नंबर है JK02BL0674, ये है गाड़ी का नंबर। और दूसरी गाड़ी के साथ जो हिट हुई उस गाड़ी का भी काफी नुकसान कर दिया इसने और अभी इस कंडीशन में ये बाहर निकला है। देखो शराब में धुत आदमी, कोई पता नहीं है इसको कहाँ पर गाड़ी मारी है इसने, किसके साथ हिट की है, पूरी तरह शराब में धुत है, शराब पी हुई है खूब और ये गाड़ी चला रहा था। और आपके सामने ये भी बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है और अभी इसकी हालत देख लीजिए, इतनी तेज आ रहा था। वो तो भगवान का शुक्र है
कोई टू व्हीलर वाला नीचे नहीं आया, वरना ये तो एक दो टू व्हीलर वालों को ले गया था ये आराम से, जिस हिसाब से गाड़ी की इसने जोर से इसने हिट की हुई है। और आप देख सकते हैं ये है हालत, और दिन दहाड़े शराब पी के चलने का, और आगे इसने गाड़ी ऐसे हिट की है और एक एक गाड़ी को भी हिट किया है। ड्राइवर ने शराब पी हुई है, धुत है शराब में, और ये खड़ा सामने, और आपके सामने देख लीजिए। भगवान का शुक्र है कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपके सामने किसी की भी जान जा सकती थी। और इतनी तेज स्पीड में आया है, होश तक नहीं है इस आदमी को। और यहाँ पर एक ये बड़ा एक्सीडेंट जम्मू गांधीनगर में, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं विमेन कॉलेज के बाहर, एक प्रोफेसर साहब बेचारे अपनी ड्यूटी देकर अपनी जॉब करके निकल रहे थे अपने कॉलेज से बाहर, और ये भाई साहब शराब में धुत, शराब पीते हुए, शराब के नशे में धुत 100 की स्पीड में आता है, हिट करता है प्रोफेसर साहब को, और उसके बाद अपनी गाड़ी भी यहाँ पर हिट कर देता है। देख लीजिए कहाँ गाड़ी हिट की है इसने, बिल्कुल जो फ्लाईओवर के जो ब्लाइंड वॉल्स होती हैं, सीधे उस ब्लाइंड वॉल को इसने जो है हिट किया हुआ है। और देख लीजिए किस तरह से गाड़ी इसने मारी हुई है, आपके सामने देखेंगे आप, ये एक बड़ा एक्सीडेंट इधर हुआ है। ये पूरा मामला सामने आया है एक्सीडेंट का जम्मू के अंदर गांधीनगर कॉलेज के बाहर। देखते रहे जेके मीडिया, धन्यवाद, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। और लोगों से रिक्वेस्ट है शराब पी के गाड़ी मत चलाएं, शराब की दुकानें यहाँ खूब खुली हुई हैं, शराब पी के गाड़ी बिल्कुल मत चलाएं। धन्यवाद, राम राम।